अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पनीर मसाला। इसके लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है, एक बड़ी साइज़ की प्याज इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, 18 से 20 जो लहसुन दिया है हमने इसको मैंने दो टुकड़ों में काट लिया है, और यहाँ पे मैंने चार मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसे भी मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर मैंने पैन में 2 से 3 टेबल स्पून तेल को गर्म किया है। इसके अंदर डाल देंगे प्याज। प्याज के साथ लहसुन भी डाल देंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पे प्याज हल्की ब्राउन हो गई है और ये सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर, साथ ही 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे। ढक्कन इसका बंद कर देंगे और 1 मिनट इसे हम पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 1 मिनट हो गया है तो यहाँ पे एकदम टमाटर सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम गैस का चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। इसे ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे ये ठंडा हो गया था, मैंने इसे जार में डाल दिया है, अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट तैयार है। इसके अंदर मैंने पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। अब उसी पैन में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून तेल को गर्म किया है। इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। ज़ीरा चटकने के बाद इसके अंदर पिसा हुआ मसाला डाल देंगे जो हमने टमाटर और प्याज पीसा है। तो जार के अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालकर इसके अंदर जो मसाला लगा था इसे हमने मिक्स कर लिया। इसके अंदर डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, गैस का फ्लेम एकदम लो मैंने करके रखा है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे और लो टू मीडियम हीट पर हम इसे 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। बीच में 1 से 2 बार इसे हम खोल कर चला देंगे। चेक कर लेते हैं तो ये मसाला भुन गया अच्छे से, इसका तेल ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी डाला है और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि नमक मैं 1 टीस्पून पहले डाली थी टमाटर भूनते वक्त। तो आप इसी स्टेज पे नमक और मिर्च को टेस्ट कर लें, अगर कम लगे तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। पनीर भी इसके अंदर डाल देंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। ढक्कन बंद करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। चेक कर लेते हैं, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसके अंदर से। गैस का चूल्हा बंद कर दिया है, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा कटी हरी धनिया से इसे गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पे झटपट बनके हमारा पनीर मसाला तैयार हो गया है। इसमें बहुत ही कम मसाले मैंने इस्तेमाल किए हैं।
तो आप भी एक बार इसे ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक और रेसिपी के साथ।